हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया। देश की आर्थिक स्थिति से लेकर हरियाणा के अर्थव्यवस्था पर सीएम ने अपनी बात रखी। मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा की जीडीपी बेहतर स्थिति में है। 80,000 करोड़ रुपयों का निवेश हरियाणा में हुआ है। सरकारी क्षेत्र में 73,000 नौकरियां दी गई। नए स्थापित 58,000 उद्योगों के माध्यम से 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार में नौकरियां योग्यता के हिसाब से सभी को मिली हैं। पर्ची खर्ची का खेल जो चलता था वो बदल गया। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के किए गए काम को गिनवाते हुए कहा कि हमने ऐसे काम भी किए जो हमारी घोषणा पत्र में नहीं थे। हमने जनता के हित में काम करते हुए कई बदलाव किए और कई नई योजनाएं चलाई। अंबाला के शहरी जिला अध्यक्ष हरपाल कंबोज ने नग्गल हलके का दौरा किया। अंबाला शहर के अंदर डोर टू डोर संपर्क के तहत उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। अपनी जीत सुनिश्चित बताते हुए हरपाल कंबोज ने कहा कि जनता को जेजेपी के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि काम करने वाले लोग कभी बैरंग नहीं लौटते। बीजेपी को अहंकारी बताते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारों से कमाने का काम कर रही है। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के साथ प्रदेश की राजनीति गरमा चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर अन्य पार्टी के लोग बीजेपी में अपनी आस्था जता रहे हैं और इसी कड़ी में नरवाना से इनेलो के पूर्व जिला प्रधान भगवान दास के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इनेलो का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अध्यक्षता में सभी ने बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगे आज 4 दिन होने को है, लेकिन जिला सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। जिला सचिवालय में ज्यादातर कार्यालयों में हरियाणा सरकार के कैलेंडर लगे हुए हैं। जब मीडिया ने इस बारे में पूछा तो किसी को आचार संहिता की जानकारी नहीं थी तो किसी ने 3 दिन की छुट्टी के बाद कार्यालय आने की बात कही। आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेश भर की मंडियां पूरी तरह बंद रही। आढ़तियों का कहना है कि सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी दोहरा मापदंड अपना रही है। सरकार ने कपास की सीधी खरीद आढ़ती के माध्यम से करने की बजाय सीधे सीसीआई के जरिए खरीद करने का फैसला लिया है, जो सरासर आढ़तियों के साथ अन्याय है। उन्होंने गेहूं की तर्ज पर कपास की सरकारी खरीद भी सीसीआई की तरफ से आढ़तियों के माध्यम से करवाने की मांग की है। पानीपत में लगातार बिजली विभाग में डिफॉल्टरों की संख्या में इजाफा होने लगा है, जिसके चलते विभाग को काफी नुकसान पहुंचने लगा है। लोगों से बिल भरने की अपील करने के बाद भी डिफॉल्टरों ने बिजली बिल नहीं भरे, जिसके बाद बिजली विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। बिजली विभाग ने आज समालखा में लोगों के घरों के कनेक्शन काटने के अभियान की शुरुआत की, ताकि डिफॉल्टरों से बिल वसूला जा सके। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में चोरों का कहर देखने को मिला। एक हफ्ते में चोरों ने चोरी की दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। चोरों ने इस बार जिला पार्षद विनोद मुलोदी के घर को निशाना बनाया। पार्षद के घर से चोरों ने करीब 1,75,000 नकद और 3 से 4 लाख के जेवरात चंपत कर दिए। पुलिस को सूचना दी गई, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जब एक कलयुगी बेटे ने अपने बाप की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। शख्स ने अपने माँ बाप और भाई पर कातिलाना हमला किया, जिसमें 64 साल के सुशील मेहता की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात में घायल हुई शख्स की मां को दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ऋषभ मेहता नाम के शख्स ने मोहल्ले के लोगों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सोनीपत के गांव अटेरना में ग्रामीणों ने आज सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। गांव वालों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से स्कूल में अध्यापकों की भारी कमी है। इस बात की शिकायत अधिकारियों को की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आज स्कूल पर ताला ही जड़ दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आचार संहिता हटने के बाद समाधान कर दिया जाएगा, जिसके बाद गांव वालों ने स्कूल का ताला खोला।